फिर मैं उन्हूं इस तरह की शक्ल दी उहदे विच जे तुसीं उन्हूं पढ़ो कितने टाइम लगे तां उहदे विच तुहानूं इह स्पष्ट होएगा भी जिहड़े नां थां ने बिल्कुल एक्चुअल ने संस्थावां दे नां बिल्कुल एक्चुअल ने उन्हां नूं चुराउण वाले बिल्कुल असली ने लेकिन जिहड़े पात्र उन्हां नूं बयान कर रहे ने वह मेरी अपनी फिक्शन हैगी है जी उस मैं सारी बुनी है उस मैं एक लव स्टोरी भी जी पा दी है कि पाकिस्तान की एक पत्रकार कुड़ी जी है वो हिंदुस्तान के पत्रकार के नाल इनवॉल्वमेंट हो जाती है तो वह रंग तमाशा के दसन की यह कोशिश की गई है कि साढ़े जोड़े वन सुने चेहरे आ वन सुने अं रंग वाले लोग हाँ असी इस ग्लोबल दे विच, इस ग्लोबल दे विच जो इकट्ठे होंगे तो किदा असं विचरते हैं किदा असं बिहेव करते हैं सो येगा रंग तमाशा हूँ मैं थोड़ी जी गल अखबार बारे भी करना चाहना जर्नलिज्म बारे भी करना चाहना जर्नलिज्म बारे मेरा जो विचार है वो ये है भी पत्रकारी जी है वो सिर्फ सूचना देने लई वरती जानी चाहिए जे अज असी चैनलों पर देखते हैं भी जे किसी ने किसी नाल झगड़ा होया उहदे मूंह दे उत्ते एक उन्हें थप्पड़ मारिया तां वो साढ़े जिहड़े उन्हें पेश करन वाले आ वो इस ढंग नाल पेश करदे पता नहीं उहदे मूंह दे उत्ते 50 थप्पड़ मारे होणगे उस बंदे ने मैं तुहानूं दसदा भी ये किस तरह इस गल नूं वधा चढ़ा के पेश कीता जांदा असल विच पत्रकारी जिहड़ी है जिहड़ा पत्रकारी दा मुढ है वो इस गल तों वज्जा सीगा भी आपां समाज दे विच बुराइयां जिहड़ियां ने उहनां नूं खतम करना तो लोगों को चंगी सूचना देनी अजकल ये पत्रकारी जिहड़ी है इहदा रूप होर तरह का हो गया सब तो पहली गल तो यह भी जिहड़े लोग अखबार नूं चला रहे हैं उहनां दी सोच की है जिहड़े लोग उहनां दे रीडर ने उहदे मुताबक उहनां नूं उहदे विचों मसाला उहदे विचों मैटर मिल रहा कि नहीं मिल रहा जदों मैं जगबाणी विच आया तो ये सारे लोगों के मन में यह विचार सीगा मेरे अपने परिवार से विचार सीगा भी एक हिंदू अदारा जिहड़ा है वह पंजाबी की अखबार शुरू कर रहा है उहदे विच तुसीं जाके की करोगे मेरे मन च भी सीगा भी मैं इस अखबार नाल जुड़ गया तो मेरी तो अपनी कोई गल नहीं होनी ये तो सारा कुछ जो कहणगे उही होना पर वो जिहड़े साढ़े अखबार कढ़न वाले आ वो उन्हां दा जिहड़ा एंगर हुंदा है वो बहुत ही बारी बिजनेस वाला हुंदा है भी इस अखबार नूं आपां खड़ा करां तां उदों मेरे मन दे विच इको गल सीगी उन्हां दी फाइट जिहड़ी सीगी जिहड़ा उन्हां दा मुकाबला सीगा वो एक वड्डी अखबार दे नाल सीगा पंजाबी दी जिहड़ी आर रेडी स्टैटस सी मैनूं कहिंदे जी तुसीं की सोचदे हो इहदे बारे मैं कहा जे तां तुसीं उन्हां दी रीडरशिप नूं तोड़ना है फिर तो उन्होंने वर्गा ही मैटर देना पा उन्हों वर्गी समगरी देनी पेगी क्योंकि जो पंजाबी की अखबार में असी मैक्सीम सिखा पढ़ा उन्होंने वो भी उन्होंने पढ़ाते हैं तो सू जी गल करनी पड़ेगी होया कि अतवाद आ गया बिच ये भी आ गया भी हिंदू अदारे वालों अखबार शुरू की गई है विच उन्हां दे एजेंट भी मारे गए साढ़े एडिटर भी मारे गए बड़ा कुछ होया असी भी डगमगाए भी इत्थे हुण मुश्किल है भी इत्थे साढ़े भी गोली वज सकदी है असी दो तरह पीड़ित सीगे एक असी हिंदू अदारा नाल जुड़े हुए एक साडी पछाण सिखां की कीता जावे पर एक मन दे विच गल सीगी भी जे बंदे ने मरना है तो घर बैठे भी मर जाना क्योंकि वर्तारा यहो जहा भी उसने बंदा कितने भी चल जाए जे गोली ने उसका पिछा करना करना ही करना सो डटे रहो पर ये नाल नाल की होया टेररिज्म दे सारा दौर निकल तो बाद पंजाब विच जदों शांति बहाल हुई तो यह सारा कुछ बदल गया समेत साढ़े मालकां की सोच दे भी ये कित असी भी गलत सके कित वह भी गलत सके चलो हूँ इनू थोड़ा सही करो इस अदारे दे विच मैनू मतलब इस गल का थोड़ा जा फखर है भी मैं उत्थे उन्होंने जिहड़ी गल लोग लाइक करते मैं उन्होंने समझाई भी इदां ही चलना
जे तुसी इदां करोगे तो फिर तुसी खड़े हो सकते हो पत्रकारी दे विच। तो सो अज जे अजीत अखबार है तो जगबाणी है, दो अखबार जिहड़ियां मेन ने उत्थे इन्हां दी छपण गिणती बिल्कुल लागे लागे बिल्कुल लागे लागे। किसी शहर के जे जगबाणी 1000 परचा वध जांदा तो कितने अजीत जाता होगा। इस तरह का सिस्टम है। दूसरी गल, क्योंकि मेरा ये साहित्य का थोड़ा जहा सिलसिला जुड़िया हुआ सी, मेरे अपने लिखन के सुधार आया जो का मैं उत्थे मैगजीन लिखना शुरू किया, क्योंकि मैं लोगों रचनावां नूं वाचदा सीगा, मैं एक अथॉरिटी सीगा भी मैं किसी की रचना जिहड़ी आ उहनूं पास करना ते उहनूं फिर छापना। इहदे नाल मेरे अपने जिहड़ी रचना सी उहदे विच अपने आप ऐटोमैटिकली सुधार आ गया, भी मैं जिहो जी चीज़ रचना नूं सिलैक्ट करनी चाहुंदा, जे मैं इहो जी रचना लिखदा तो फिर मैनूं पसंद आवे, तो मेरी वो जिहड़ी पसंद वाला जिहड़ी एक लैवल सीगा वो चेंज होया बिल्कुल, भी यार की फजूल की लिखी जांदे आ, चंगी चीज़ लिखो जो लिखनी है। ये नाल मैगजीन एडिटर के तौर पर काम करन दे नाल चंगीआं रचनावां पढ़न दे नाल मेरी अपनी लिखण दे विच सुधार होया, और मैं चाहिया भी गल लिखी जाए इहो जी जिहड़ी लोकां नूं पसंद आवे, लोग कहण भी हाँ ये समाज दे विच इहो जिहा वर्तारा हैगा। एक मेरा नावल सीगा जेकर, उहदे बारे सिर्फ इन्ना ही है भी मैं एक लाइन जरूर अपने दिमाग च रखदा हुंदा भी मैं इस नावल दे विच की कहण जा रहा। जेकर नावल दे विच एक औरत दी कहानी सीगी जिहड़ी औरत साडे समाज दे विच उत्थे पढ़ी लिखी हुंदी है फैमिली विच जांदी है, जदों वो सोचदी है भी मैं सुपने लए सीगे भी मैं तां बहुत कुछ बन सकती हाँ लाइफ दे विच, पर मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली दे विच आ के मेरा सारा कुछ गवाच गया, मेरी को होंद नहीं रही, मैं तो बहुत अगे जाना सी। वो अपने हसबेंड तो बागी हो गए घर छड़ के पासे हो जाती, फिर वो अपने आप को एस्टैबलिश करना चाहती है, पर क्योंकि समाज सारा मर्दा ना भरिया पाया उन्हों वक्री वक्री तरह के मर्द मिलते हैं, एंड दे उत्ते उहदा हसबैंड जो डैथ बैड ते पिया हुंदा उहदे बच्चे कहिंदे हुण तूं वापस आ जा, वापस आउंदी है उहदा हसबैंड कहिंदा भी हुण तूं थक गई है कि तूं छड सारा कुछ की तू बन गई है कुछ बनी है की अपने आप बनाया। वो कहती मर्दा का समाज है इत्थे, इत्थे मैनू तां कोई वे आउट नहीं लभ रहा, पर वो फिर भी वो फैमिली नूं परवान नहीं करती, वो कहती मैं अपने तौर दे उत्ते जीवांगी, मैं फिर एक बारी स्ट्रगल करांगी। मेरे नावल जिहड़े आ मैं किसी नावल नूं इस तरह का एंड नहीं दिता भी ये नावल जिहड़ा है इहदा हैप्पी एंड हो गया इत्थे खत्म कर दे जां इस तरह कर दे सिलसिला कर दे, ये ओपन छड्ड दित्ते आ क्योंकि स्ट्रगल जिहड़ा है संघर्ष जिहड़ा है वो कदी रुकदा नहीं हुंदा, वो अगे चलता रहिंदा। सो मैं नावल नूं इन्हां ढंगां दे नाल इन्हां लीहां दे नाल लिखता रहा। एक नावल का मैं तुहानूं इहदा जरूर जिक्र करना चाहूँगा, संगल ना फड़। संगल ना फड़ हुण वो जिहड़े ट्रालियां पिछे लिखिया हुंदा मूर्खा संगल ना फड़, उहदा एक मतलब हुंदा सीगा भी ये क्यों लिखा मूर्खा संगल ना फड़, उहदा मतलब ये हुंदा सी भी साइकलां वाले आम तौर दे उत्ते काली करम नाल भी ये संगल फड़ लो पैडल नहीं मारने पैणगे इक आपां छेती पहुंचांगे, पर उहदे नाल एक हादसे का एक एक्सीडेंट का खतरा हुंदा। लाइन यह है भी लाइफ दे विच सक्सैस वास्ते कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जिहड़ा बंदा शॉर्टकट अपनाउण दी कोशिश करदा वो फटड़ जरूर हुंदा। पर उहदे नाल एक लाइन मैं होर भी लिखी है, स्टार्ट ते लिखिया भी मेरी माता जदों मैं दूसरी जमात च पढ़दा सी ते मैनूं हरिमंदर साहब लैके जांदी है ते असीं सरोवर च इशनान करन लगदे हां ते उह कहिंदी काका इह संगल फड़ लई नहीं ते डुब जाएगा। तो संगल दा मतलब ये आ भी इहदे इस नावल दे विच पात्र वह भी ने जिन्हां ने संगल नूं इस ढंग नाल फड़िया भी जिंदगी नूं